इट अरब एमरेट्स इंड सऊदी अरेबिया ना बहुत हो चुका गेटअप ये पाकिस्तानी स्टूडियज बनाया है इधर मेरा मुझे रोला के मेरे जो रिच रिलेटिव हैं अपनी बेटी को अकेले खुद नहीं जाएंगे कपल टैक्सी में इधर अखई इधर टैक्सी में नहीं जाना अख पाकिस्तानी और ये इधर नहीं जाना टैक्सी में हम नहीं जाते अखई मीनिंग यख़ तुम लोगों का ड्राइवर कौन होता है पाकिस्तानी पति अखई ये सो हिंदूस इन अच्छा ये लोग ये लोग जो चाहें करें एक तरफ से देखें कॉन्ट्रडिक्शंस अपने लिए अपना यू you नो know, बाबा जायद का ह्यूमन याद करते हैं ये नहीं कहते हैं कि हमारे बाप ने जो किया वो सब तो इनका बाप इतना एजुकेटेड भी नहीं था उस टाइम पे ना अभी इनके बेटे जा रहे हैं उधर गए थे अभी शेख राशिद भी एजुकेटेड तो नहीं था इतना अपने बेटे को ये लोग लंदन गए अपने आप को एजुकेट किया है मैंने भी अपने आप को एजुकेट किया लंदन मुझे मेरे फादर ने भेजा है लेकिन कुछ चीजें मुझे रिफॉर्म तो लॉ में लाना था लॉ तो आ, मुझे इनकी इज्जत वज्जत नहीं चाहिए ऐसे मुझे बस अपनी इज्जत चाहिए इधर नहीं इधर मुझे रहना भी नहीं था मैं तो नहीं आ रही थी इधर कराची में बहुत करप्शन हो लेकिन दुबई आर्टिफिशियल है मुझे कराची का वो सिंपलिसिटी हम लोग तो सोल्जर बाजार में कब से रह रहे थे हमारे पास मर्सिडी सोल्जर बाजार में हम लोग लंदन से जैगोर्स और ये स्पोर्ट्स कार रूफलेस टॉपलेस <laughs> टॉप <टौपल। laughs> वो दौलत ने खैर टॉपलेस नहीं पहना था <coughs> लेकिन ऐसे ऐसे ब्लाउजेस आई फील लव तो समर आई फील लव आई फील वो जो ऐसे ना ये इधर बांधते हैं नॉट स्लीवलेस और वो ऐसे <coughs> उसकी क्या बॉडी थी कि सऊदी अरेबिया ने ले लिया था स्टोवर हालांकि हालाँकि शादीशुदा थी बच्चे दो दो बेटे थे उस टाइम पे हसन और फैसल और तो ये है कि वो ये जो है ना ये अरब शेख़ ये बहुत चालाकी से यूज़ करवा रहे हैं फाइनेंसिंग कर रहे हैं आपको पता है उधर जब मैं कहराम जी के डिस्टोपिया और वहाँ एक और एक्साइल एक्स इंडियन सा जब मैं वो देती हूँ ना तो मेरा तो ज़्यादा लाइक पूरा नाम लेते हैं जहरा जवाद सजवानी जवानी और ये इन्होंने यू यानी ये यू ए के धर्म से हैं आई I मीन mean, दूसरा दूसरों को भी बोलते हैं लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा इज्जत देते हैं तो मुझे शर्म आती है कि नहीं नहीं ये लोग मुझे ज़्यादा इज़्ज़त लेकिन मैं वहाँ कह नहीं सक रही थी इतना मैं बस कहती हूँ थैंक यू जुना उधर रखते सबका रखते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही थी लेकिन फिर साहिल एक्स मुस्लिम के वहाँ भी हो गया कुछ फिर दैन आई जॉइंड अगैन एन आई पॉलिजाइज बिकॉज उनकी इंफॉमेशन इतनी अच्छी थी और ऐसे अच्छी तरीके से मुझे काम डाउन कर दिया कि वो जो पीछे की बातें थी ना जैसे वो पंजाबी फ्लर्ट कर रहे थे लड़की लर्क, एक लड़की के साथ और स्वीटी और ये वो एक एक अभी लाइव स्ट्रीम आया था इंडियन एक्सप वो मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन मैं चुप रही अब कितना इनको बोलूँ कितना इनको बोलूँ पंजाबियों को तो मैं उधर थोड़ा ठंडी हो गई थी अज एक फ्रोज़न फॉर टाइम बीग बट कभी कभी ऐसा भी मेरा होता है तो ये गुलजार एलिया अच्छा ये जो uh, इधर भी ऐसा है ना दुबई में ये अरब्स बहुत चालाक हैं अभी मुझे पता चला क्या हो रहा है इन्होंने पाकिस्तानी पंजाबियों को और इनको यूज़ किया है और ये लोग वही वेस्टर्न अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन वैसे भी दुबई को बनाना चाहते हैं तो आप जब ये लोग पाकिस्तानियों को यूज़ कर रहे हैं जो अमेरिका में हैं और ऑस्ट्रेलिया में है ना तो <coughs> uh, वो uh, वो रिवर्स साइकोलॉजी भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे देखिए अमेरिका तो नंबर वन टेररिस्ट है अभी का उससे पहले आ, आ, पाकिस्तानी के जो याया खान को हम लोग नहीं कहते थे अमेरिका घोर नहीं कहती थी या कोई कहते थे कि याया खान वो सच अ टायरेंट डिक्टेटर मिलिट्री पाकिस्तान का मैन जनरल था जब उसका मिलिट्री डिक्टेटर रोल था ना पाकिस्तान में उसने ऐसे ऐसे जुल्म किए थे सो यू सी यू पुट द ब्लेम ऑन द पर्सन हो उस टाइम पे हम लोग अमेरिका अमेरिका नहीं कह रहे थे ज्यूज़ नहीं कह रहे थे हम लोग इसराइल का इतना वी वन सेइंग जूज इसराइल वी वर सेंग दिस डिक्टेटर So give the praise where praise is due, give the blame where blame is due, justly, justfully, justified, justifiably. Our mm -hmm. Christian uh, uh, friends will come. One that your English is good, they will say. So. ये के, uh, ये जो यूनाइटेड अरब एमरेट्स करवा रही है ना एक तरफ से ऑन वन हैंड दे ट्राइंग टू डू अ रिवर्स साइकोलॉजी टाइम्स यानी इफ़ यू गो टू थिंक कॉन्टम्पलेट इट हिट्स यू बैक टाइम्स कि हाँ तो यही तो गुलजार एलिया के मुंह से निकला निकलवाना चाह रहा था कि सब पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं है ना लाइक ऑल पाकिस्तानीज़ आर नॉट लाइक दिस एंड मे बी आरिफ अजाकिया इज ऑल्सो पता नहीं कौन रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कर दे डोंट लाइक हिंदूज आई डोंट नो वट इज़ द like what's the agenda going on around the world are financing a be in Kibi bhi saudi arabia united arab emirates kina to wo jo wo stand bhi kar te na, pakistani kuch see pakistani whatever the subliminal message जैसे हरे सुल्तान का सब्लिमिनल मैसेज मोदीज सेंडिंग आउट दैट वे दीज पीपल आर ऑल्सो सेंडिंग आउट सब्लिमिनल मैसेज दैट नॉट ऑल कश्मीरी मुस्लिम्स आर लाइक दैट राइट तो अच्छा हो सकता है कि जब यू ए मैंने ये भी कॉन्टेम्पलेट किया है बिकॉज देखें इंटरेस्ट किसका है अमेरिका का है पाकिस्तान में या यू ए सऊदी अरेबिया का जैसे मैंने एक मूवी देखी ना आ, तो उसमें उसका कज़न होता है जो और समवन फ्रेंड तो आ, उसमें बताया गया था कि फे पता नहीं कौन सी एक मूवी थी एनी वेज मुझे याद नहीं आ रहा है तो उसमें यह बताया जाता है कि बर्बाद पाकिस्तान को लाइक like, uh, तो किसी को रोइन करना इन अ वेरी इंटरेस्ट किसका है इंटरेस्ट कौन कौन गेन करेगा अमेरिका क्या गेन करेगा पाकिस्तान को वर्ल्ड पावर चाहता है अभी तो लेकिन उससे अमेरिका से पहले कौन गेन करेगा अगर गुरबत इंडिया में रहेगी पाकिस्तान में रहेगी फिर ये सब लोग आना चाहेंगे कहाँ आना चाहेंगे रोजी के लिए कहाँ आ रहे थे हल्फ दुबई चलो फिर ऐसी गुरबत के अपनी माँ बहन को बेच के वो उस उसमें मजबूरी में, में। दुबई चलो